हेलो दोस्तों, आप लोग रेलवे NTPC CBT 1 की जब से आंसर की आई है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ता है और CBT 2 की तैयारी करें कि ना करें। देखिए, मैं पूरा आप लोगों को लाइव आपको 100% प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन कैसे बढ़ता है। और बहुत सारे लोग जिनका कम नंबर आ रहा है बहुत ही परेशान हो रहे हैं, वो सेकंड फेज़ के लिए तैयारी करें कि ना करें, और जिनका बहुत नंबर आ जा रहा है तो वो सोच रहे हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा नॉर्मलाइजेशन का मैटर क्या होता है, तब आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये रेलवे के पिछले एग्जाम का है, ठीक है? ये पिछला एग्जाम जो रेलवे का होता उसका है। आप देखिए कैसे कम नंबर वाले का भी सेकंड फेज़ के लिए क्वालिफाई कर देते हैं, और जो बहुत सारे नंबर पा जाते हैं 65-70 के बीच में, उनका भी सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई करते नहीं हैं, और करते भी हैं तो उनका नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़ता है। देखिए यहां क्या लिखा गया है, रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 में 24 मिला, ठीक है? यहां क्या लिखा, प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 में कितना मिला है, 32 मिला है। अब देखिए नॉर्मलाइजेड होकर के मार्क कितना मिला है, 46.47879। अब क्या लिखा गया यहां, शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेट एग्जामिनेशन, एस या नो, यहाँ पे लिखा गया एस, मतलब ये सेकंड फेज़ के लिए क्या है, क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है? कितना नंबर था, 46 नंबर पे। अब आपको देखिए और दिखाता हूँ, देखिए ये इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 36 नंबर है, रॉ मार्क्स कितना है, 48 है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन हुआ कितना नंबर हो गया, 66 नंबर बढ़ गया, मतलब कितना हो गया इसके, 66 नंबर हो गए, और ये सेकंड फेज़ के लिए क्वालिफाई है। तो देखिए अभी आप लोगों का, जिन लोगों का, बहुत सारे बच्चों का जिन लोगों का नंबर आ रहा हो, जैसे कि 30 आ रहा हो या 40 आ रहा हो या 45 आ रहा हो या 50 से कम आ रहा हो, तो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि मैं सेकंड फेज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। आप लोग मान के चलिए जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, आप अपने आप से जज मत करिए कि हम सेकंड फेज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं। इतना निगेटिव सोच के मत चलिए, पॉजिटिव बना के रखिए। देखिए आप लोगों को जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप लोग बिल्कुल भी मत घबराएं कि मैं सेकंड फेज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पिछली बार जिनको 70 नंबर मिले थे, ठीक है, 70 नंबर मिले थे, वो लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किए थे, नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था। आपका डिपेंड करता है आप कितने गलत किए, भले ही आप 90 क्वेश्चन करके आए हैं उसमें से आप 45 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 65 क्वेश्चन करके आए हैं उसमें से आप लोगों ने सिर्फ 5 ही 6 क्वेश्चन गलत किया तो आपको बहुत ही अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप प्लीज़ ध्यान से समझें। आप लोग जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं आता, आप अपने आप से जज मत करिए, परेशान मत होइए कि मेरा 40 से 50 से कम नंबर आ रहा है, मैं सेकंड फेज़ के लिए तैयारी ना करूं। आप लोग पढ़ते रहिए, आगामी भी बहुत सारे एग्जाम हैं, आप आंसर की को ले करके आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको इसीलिए मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया कि नॉर्मलाइजेशन बहुत कुछ करा सकता है, आपको एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा सकता है। या जो पिछली बार आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ या जो आपके दोस्त लोग जॉब कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं पूरा 100% बता रहा हूं कि आप लोग अभी से अपने आप को जज मत करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा आप लोगों को पता है कि कैसे नंबरों को इंक्रीज करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे डाउट को आप लोग क्लियर किए होंगे, अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए जिनका कम नंबर भी आ रहा है वो भी तैयारी करें, जिनका ज़्यादा आ रहा है वो भी तैयारी करें, जब तक कि आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही आपका सारा डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।